अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी देती हूँ। ये मिक्स वेजिटेबल मैंने आपको एक पहले भी बताई है, लेकिन ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। चीज़ें तकरीबन वही हैं, लेकिन इसके अंदर मैं जो ऐड करूँगी वो स्पिनिच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। स्पिनिच से ये है कि मिक्स वेजिटेबल का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने ये ट्राई की है घर में, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वही मैंने, देखिए मिक्स वेजिटेबल यहाँ पे ली है, 1 कप ले लीजिएगा। मैंने फ्रोजन यूज की है। जो लोग के लंदन में रहते हैं वो आप टेस्को से आप ले सकते हैं, टेस्को की मेक है, मैं ऑलवेज वहीं से लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 आलू, ये देखें इस तरह से मोटे मोटे आप काट के डालिएगा, ये काट के मैंने इस तरह से ले लिए हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी स्पिनिच, ठीक है। ये देख लीजिएगा आपके एक प्याली के अंदर कितनी आती है वो ले लीजिएगा आप। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो वेजिटेबल है वो मिक्स स्पाइसी अच्छी लगती है, इस वजह से मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी इसके अंदर ऐड करूंगी। तकरीबन 6 to 7 ग्रीन चिलीज है। और ये है मेरे पास ओनियन, ये भी जो है ये मैंने टेस्को का फ्रोजन ओनियन यूज किया है, क्योंकि ये ऑमलेट के लिए यूज हो सकता है और आप अपने वेजिटेबल के लिए भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि बहुत फाइन इसका चॉप किया हुआ होता है। साथ ही मैं इसके अंदर कोरिएंडर यूज करूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, और ये है चिली पाउडर, इसके अंदर तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून यूज करूंगी। आप अपनी मर्जी से यूज कीजिएगा, जितना आप डालना चाहती हैं, जितना आप स्पाइसी पसंद करती हैं। ये है सॉल्ट मेरे पास, ये 1 टीस्पून ऐड करूंगी। और यहाँ पे मेरे पास टर्मिक पाउडर है, ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। और इसके अंदर कोई मसाला हम ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो स्पिनिच है आपने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जो इसका पानी निकलेगा वो आपने फेंक देना है। तो फिर हम साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे इतना सा पानी डाला है स्पिनिच के अंदर, और मैंने 5 पीसीज, ये पीसीज होते हैं, आप ये देख लीजिए अच्छे तरीके से ताकि आपको पता चल जाए, मैंने 5 ऐड करूंगी इसके अंदर। इसको बस एक दो बॉइल देंगे तो ये इसका जो फ्रोजन होती है खुल जाएगी इजिली, हम जो है मिक्स वेजिटेबल के अंदर इसको डालकर तो कुक कर सकते हैं। एक तरफ हमारी ये जो स्पिनिच है वो रेडी हो रही है, दूसरी साइड पे मैंने ये ऑन कर लिया। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, और आपको पता है कि मैं ऑलवेज जो है अपनी कुकिंग प्रेशर कुकर में करती हूँ, क्योंकि टाइम की बचत के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल हम बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर डाले हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ऑनियन ऐड करूंगी। ऑनियन जो है बस हमने सिर्फ लाइट ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन काला नहीं करना कि इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाए। इस तरह से बस थोड़े से हमने लाइट ब्राउन कर लेने हैं, और इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करेंगे। ऐसे ब्राउन हो जाए तो आपने ये करना है कि स्ट्रेट हुए सबसे पहले हमने आलू इसके अंदर डालना है। आलू डाल दिए, और साथ ही अब मैं इसके अंदर सब वो स्पाइसेस डालूंगी, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, ठीक है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो कहीं गले ना। मैंने इसके अंदर जो है वो जिंजर और गार्लिक डाला था, मैंने वैसे क्रश करके डाला है। आप इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है, कोई लाजिम नहीं है कि आपने जो मैं कह रही हूँ आपने उसको ही फॉलो करना है। पर आपका जो टेस्ट है मिक्स वेजिटेबल का
विथ स्पिनिच, वो बहुत ही मज़े का और सेम वैसे ही आएगा, चाहे पेस्ट डालें या क्रश करके डालें। देखिए मैं आपको पास से दिखा दूँ पता नहीं। फिर अब हम इसके अंदर ये डालेंगे मिक्स वेजिटेबल एक कप, जो मैंने बोला था। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करीब करीब करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कहीं भी रह रही हैं, आजकल हर चीज़ आपको फ्रोज़न इजीली आप मिल जाती है, कोई ये नहीं है कि नहीं मिलती किसी जगह से। स्पिनिच आप देख लें, ये बॉयल हो चुकी है। बॉयल होने के सिर्फ मैंने एक दो मिनट के लिए इसको किया है पानी में, जब बॉयल आया तो मैंने इसको निकाल लिया और छान लिया। और साथ ही मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली जो है वो साबुत ही रख दी है। ये इसको बॉयल नहीं आपने ग्रीन चिली इसको करना, बस आपने ऐसे ही रख देना है। तो अब मैं ये भी जो है वो इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो फ्रोजन वेजिटेबल इसके अंदर डाली है उस वो अपना पानी छोड़ेगी, और जो स्पिनिच भी डाली है वो भी थोड़ा सा पानी इसका निकलेगा। तो हमने सिर्फ इसको दो मिनट का प्रेशर देना है, और दो मिनट के बाद फिर मैं आपको वापस दिखाती हूँ। पर आप लोग इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, खाने में भी ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी और बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने दो से तीन मिनट के लिए प्रेशर दिया था। प्रेशर देने के बाद मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया फ्राई पैन में, ताकि इसको मैं अच्छे तरीके से भून सकूं। ये देखिए आलू भी हमारे बिल्कुल उसी तरह से साबुत है, कोई टूटे नहीं है। अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, वो जब मैं इसको थोड़ी सी धीमी आंच पे रखूँगी तो फिर वो भी बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे। तकरीबन मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पे रखूँगी। जब देखें हमारी पालक भी अच्छी तरह से स्पिनिच भी घुल गई है और बहुत मज़े की ये रेडी हुई है। और अब मैं इसके अंदर कोरिएंडर, जो कि मेरी हर रेसिपी के अंदर शामिल होता है, क्योंकि मुझे अपनी कुकिंग के अंदर कोरिएंडर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल जो हूँ वो मैं ज़्यादा करती हूँ। ये इस तरह से डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चावलों के साथ बनाएं, नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, आपको उतना ही मज़ा आएगा इसका। और एक और बात मैं बताती चलूँ, सॉल्ट मैंने इसके अंदर बाद में दोबारा शामिल किया था। आप ऑलवेज पहले ज़्यादा मत डाला करें, क्योंकि अगर आप पहले से ज़्यादा डालेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कम करने के लिए। तो आप अपना खाना कुक करने के बाद सॉल्ट टेस्ट किया करें, फिर इसके अंदर ऐड किया करें। और अब हमारी जो है ये मिक्स वेजिटेबल विथ स्पिनिच बिल्कुल रेडी है। ये देखें आपको मैं करीब करके दिखा देती हूँ, ये बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये दूसरी सिंपल रेसिपीज की तरह आज की भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।